हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सी डी टी एंड टी टी प्रिपरेशन में। और आज की इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी के एबीएस के नोट्स को लेकर आई हूँ। यह नोट्स आपके सी टी टी एग्ज़ाम पेपर वन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जो लोग 1 to 5 का एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। तो वैसे लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी। तो आज मैं ख़त्म हो जाए तो चैप्टर था, ख़त्म हो जाए तो, जिसमें LPG की रोशन खनिज तेल के बारे में पढ़ना था। तो सबसे पहले हमारे मन में एक बात आती है कि आखिर ये सब आते कहाँ से है। तो हमारे ज़मीन के अंदर समझिए एक बहुत बड़ा खजाना है, और वैज्ञानिक खास तरीक़ों से क्या करते हैं, मशीन से यह समझते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं, और फिर गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है। तेल जो होता है उसको वो हर जगह नहीं पाया जाता है, लेकिन अब बात उठती है कि आखिर पाया कहाँ जाता है। तो वो हम लोग नहीं पता कर पाएंगे, वैज्ञानिक जो होते हैं जो ख़ास तरीक़ों से और मशीन से यह समझते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं और फिर गहराई तक पाइप डालते हैं, और इस मशीन और पाइप के द्वारा तेल को ऊपर खींचा जाता है। और निकाला गया जो तेल होता है उसका रंग होता है गहरे रंग का, गाढ़ा और बदबूदार। पिछले CET एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आया था, और इसमें घुली मिली होती है बहुत सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें घुली मिली होती है। इन चीज़ों को अलग अलग और साफ़ करने के लिए रिफाइनरी में भेजा जाता है, जैसे किरोसिन हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इंजन ऑयल हो गया, हवाई जहाज चलाने के लिए जो ईंधन होता है जिसको CNG बोलते हैं, वे सारी चीज़ एक ही में मिले होते हैं, एक ही में घुले मिले होते हैं। और उस सबको अलग अलग करने के लिए क्या किया जाता है, उसको रिफाइनरी में भेजा जाता है, और रिफाइनरी से सारा चीज़ अलग अलग होता है, किरोसिन तेल, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज़ चलाने के लिए ना, जिसको हम लोग CNG बोलते हैं। अब देखिए, उसी में LPG जो खाना पकाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सो भी उसी से पाया जाता है। मोम, कोलतार भी इसी से मिलते हैं, सारे चीज़ एक ही में मिले जुले होते हैं और सबको रिफाइनरी के द्वारा अलग किया जाता है। उसी में LPG, मोम, कोलतार भी मिले होते हैं। अब देखिए, प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक जो बनता है और पेंट जो जिसका कलर करने में इस्तेमाल होता है वो भी इसी से बनते हैं। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट यह भी क्वेश्चन CET एग्ज़ाम में आ चुका है कि आज हमारे देश का लगभग 2/3 हिस्सा जो है आज भी उपले, लकड़ी, सूखी टहनिए आदि का इस्तेमाल करते हैं। केवल खाना बनाने के लिए ही नहीं, आग सेकने के लिए भी, पानी गर्म करने के लिए भी और रोशनी के लिए भी इन्हीं चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, उपले, लकड़ी और सूखी टहनियों का। और घर में अलग अलग कामों के लिए भी कई और चीज़ का इस्तेमाल होता है, जैसे किरोसिन, LPG, कोयला, बिजली आदि। यहाँ पे नोट्स हमारा समाप्त होता है। आगे के वीडियोज़ में मैं बचे हुए चैप्टर के नोट्स को अपलोड करूँगी। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल बटन को ज़रूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और CET एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम रह गया, इसलिए आप लोग पूरे मन से तैयारी करिए ताकि आप लोगों को सफलता मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।